हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग के रिगार्डिंग है उसके हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के जो हम ब्रांड टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने ब्रांड टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, क्या होता है ये डिस्कस कर लिया था, ब्रांड को यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या नहीं करना चाहिए ये भी यूज़ कर लिया था। एक बायर अगर ब्रांड यूज़ करते हैं तो एक बायर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ब्रांड के नेम से सप्लायर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, सप्लायर्स बेनिफिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, ब्रांड नाम क्रेता के उत्पाद की, एक सेकेंड, ब्रांड नाम सप्लायर के लिए आदेश की पूर्ति करना और समस्या को दूर करना सरल कर देता है। ब्रांड अगर का नाम है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो भी समस्या है हम उनका इजीली सॉल्यूशन ले सकते हैं। और सेकेंड है हमारा कि हमारा पूर्तिकर्ता के लिए आदेश की पूर्ति करना इजी कर लेता है, इजी टू सप्लाई प्रोडक्ट को सप्लाई करना इजी कर देता है। फिर है कि ब्रांड का नाम पूर्तिकर्ता को निष्ठावान और लाभदायक ग्राहक समूह को आकर्षित करता है। थर्ड है अट्रैक्ट करता है। ये हम सप्लायर के बेनिफिट्स देख रहे हैं कि सप्लायर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ब्रांड नाम पूर्तिकर्ता को बाजार विभक्तिकरण में भी सहायता करता है, यानी मार्केट जो सेगमेंटेशन, हमने मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन? एक जैसे विशेषताओं, एक जैसे प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, सेम मार्केट में वहाँ रखते हैं ताकि एक जैसी विशेषताओं वालों के लिए अलग अलग तरह के हम मार्केट बना सके और जो भी सेम प्रोडक्ट्स हैं उन सबको एक मार्केट में रखा जा सके। तो इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उनको। देन उसके बाद ये था हमारा सप्लायर के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि अगर देखो हमने बायर्स के बेनिफिट्स भी देख लिए कि अगर हम ब्रांड का नाम यूज करते हैं तो हमारे बायर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने सप्लायर के भी देख लिए, आगे हम बात करते हैं हमारे ब्रांड के नाम से हमारी समाज जो है, सोसाइटी जो है और कंज्यूमर जो है उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं ब्रांड। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी एंड कंज्यूमर। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो उपभोक्ता ब्रांड को समर्थन करते हैं उन्हें सतत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि जो हमेशा ब्रांड को यूज करते हैं वो बेटर क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स उनको मिलती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ब्रांड नाम उत्पादकों को अपने उत्पाद में नवाचार हेतु अभिप्रेरित करती है जो उसे नकल करने वाले प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार ब्रांड नाम का परिणाम उपभोक्ताओं के लिए अधिक चयन और उत्पाद विविधता हो सकता है। ब्रांड का नाम, देखो ब्रांड है, ब्रांड मेरी ब्रांड है, ये एक ही ब्रांड है। ठीक है, एक ही ब्रांड है तो ए ने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें इनोवेशन ला रहा है। ठीक है, क्वालिटी और इनोवेशन बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है उस प्रोडक्ट पर। तो बी सी और डी वो भी वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं।
वो भी वेरिएशन लाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो जिससे कस्टमर समाज को क्या फ़ायदा होगा कि उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनको क्या मिलेंगे? ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो ए से भी ले सकते हैं क्योंकि सिमिलर है प्रोडक्ट, बी से, सी से और डी से, चार ऑप्शंस है उसके पास और जो बेस्ट है उसके लिए वो उसको चूज कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर हमारा थर्ड ये कहता है हमको कि ब्रांड नाम सेलर को भी सहायता करता है क्योंकि उत्पाद के बारे में अनेक सूचनाएं प्रदान करता है। ये बतलाता है कि उत्पाद कहाँ प्राप्त हो सकता है। ब्रांड का नाम जो है वो एक सेलर को भी बेनिफिशियल है। कैसे? कि ब्रांड का नाम कोई भी कहीं पर भी जाओ हर किसी के बारे में कोई भी बता सकता है। जैसे बाटा, बाटा कंपनी है। अब आपको पता है कि बाटा किसी से भी पूछ लो, हर कोई इसकी क्वालिटी, इसके इनोवेशन, इसका मार्केटिंग, इन सब के बारे में बात करेगा। क्यों करेंगे लोग? क्योंकि बाटा जो है वो एक ब्रांड है और ब्रांड के बारे में हर किसी को पता होता है, जिससे एक जो सेलर होता है उसको अपने प्रोडक्ट सेल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ईजी टू सेल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेनिफिट्स थे, बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एंड कस्टमर। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था ब्रांड के अंदर, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था मेजर डिसीजन। मेजर डिसीजन के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट था टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड, यानी कि हम ब्रांड को ले या नहीं ले। अगर लेते हैं तो क्यों लेना है, नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेना है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जब आप एक ब्रांड का सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको उस ब्रांड का सिलेक्शन के बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए कि अगर हम ब्रांड का सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे हमको। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया है बायर का बेनिफिट्स, फिर सप्लायर के बेनिफिट्स, उसके बाद हमने अभी किया है बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एंड कस्टमर। क्लियर है हमारा फर्स्ट पॉइंट मेजर डिसीजन का? अब हमारे सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ब्रांड नेम का सिलेक्शन कैसा हो। ठीक है, सेकेंड पर आते हैं, बात करते हैं हमारे ब्रांड नेम का सिलेक्शन। ब्रांड नेम सेलेक्शन, ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय विपणन में सही ब्रांड का नाम चयन करना एक और जटिल समस्या। अब ब्रांड तो हमने सोच लिया कि ब्रांड रखना है या नहीं रखना है, पर ब्रांड का नाम क्या होगा या सिंबल क्या होगा? मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लासेस में कि ब्रांड या तो लेटर में होगी या किसी का नाम होगा या सिंबल होगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ब्रांड का नाम क्या है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में ब्रांड का नाम डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। एक अच्छा ब्रांड उत्पाद की सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है, तो सर्वोत्तम ब्रांड का नाम खोजना या प्राप्त करना जटिल कार्य है। यह उत्पाद और उसके लाभ, लक्षित बाजार तथा प्रस्तावित विपणन व्यूहरचनाओं के सावधानी पूर्वक अवलोकन और समीक्षा के बाद शुरू होता है। देखिए, जब आप ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना है? टारगेट मार्केट। ठीक है, आप जिस जगह, टारगेट मार्केट का मतलब तो पता है ना, जहां आप अपना, जहां अपना प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, वो मार्केट कौन सा होता है? हमारा टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट में, हमारा टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमको क्या सेलेक्ट करना है? ब्रांड नेम। जैसे बहुत, अगर हम टारगेट मार्केट को सेलेक्ट मद्देनजर रखते हुए अगर हम ब्रांड का नाम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो हमारी ब्रांड सर्वाइव कर पाएगी उस मार्केट में या नहीं कर पाएगी, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। वो जो ब्रांड नाम है अगर आपके टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका जो ब्रांड है वो कंट्रोवर्सी में फंस सकता है। क्लियर है यहाँ पर? आगे देखिए कि अगर आप
ब्रांड नाम सेलेक्ट कर रहे हो। अब देखो ब्रांड नाम ऐसा फिर कैसा सेलेक्ट करें जो हमारे टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग हो, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो चलिए ब्रांड नेम की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर को देख लेते हैं। नेचर क्या क्या होनी चाहिए ब्रांड नेम में, ठीक है। सबसे पहली नेचर क्या होनी चाहिए आपकी, ब्रांड का नाम क्या हो, संक्षिप्त और सरल हो, संक्षिप्त और सरल हो, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए, इजीली हम क्या कर सके उसको याद रख सके। आप किसी एक सेंटेंस को ब्रांड का नाम रखते हो, क्या याद हो सकता है? नहीं, आसानी से याद रखा जा सके, ठीक है। आप जैसे कोई सेंटेंस ही, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में LG एक ब्रांड है, ठीक है, छोटा सा फॉर्म है, याद रख सकते हैं हम, ठीक है। उसका कस्टमर, हम, आप, हर कोई प्रोनंसिएशन सही से कर सकता है LG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोनंसिएशन, फिर है आपका कि जब तक हम प्रोनंसिएशन सही नहीं करेंगे उस ब्रांड का नाम का, इंसान को, आगे वाले को, जो आपका सप्लायर है, उसको समझ नहीं आएगा। फिर है वह सौंदर्य अनुभूति और प्रसन्नता के भाव को जागृत करने वाला होना चाहिए। उसको देखते ही हमको क्या होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, या हमको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। विदेशी बाजार के किसी भाग की विशेष भावनाओं के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता हो, नेगेटिव इफेक्ट कहीं पर भी नहीं डालता हो, वैसा होना जरूरी है हमारा, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो नेगेटिव इफेक्ट। देन उसके बाद ब्रांड नाम भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक से प्रतिकूल भावनाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमारा जियोग्राफिकल, हमारा पॉलिटिकल, हमारा, हम कह सकते हैं कि रिलीजनल या फिर हम सोशल, इन सारी चीज़ों में हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ब्रांड का नाम रखते हैं तो ऐसा ब्रांड का नाम नहीं रखना है जो इन जियोग्राफिकल या फिर हम पॉलिटिकल या रिलीजनल या सोशल बैकग्राउंड से वो हम पर गलत इफेक्ट डाले। एंड फिर है आपका कि वह रजिस्ट्रेशन और कानूनी संरक्षण के योग्य होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और हमको उसी लायक नाम रखना है जिस नाम से हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा सके। क्लियर है? तो ये हमारी ब्रांड नेम सेलेक्शन करने में हेल्प करेगी कि एक ब्रांड का नाम जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। ये सारी जो विशेषताएँ हमने बताई है ये आपके ब्रांड नाम में होनी ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ पर? जब एक बार ब्रांड का नाम चयन कर लिया जाता है तो सूटेबल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के साथ उसका पंजीयन करा लेना चाहिए। अभी हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने नाम डिसाइड किया, चाहे जैसे मैंने एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी ब्रांड का नाम रखूँ शाही, ठीक है। अब शाही नाम से मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, हाँ। और अगर आप ऐसी ब्रांड का नाम रखते हो जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करती है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे ये शाही नाम का पहले से ही रजिस्टर्ड है, मुझे भी इसी नाम से करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ भी स्टार्स, कुछ भी सिंबल या फिर इस तरह से कुछ भी आप इनोवेशन ला सकते हो। देन उसके बाद प्रतिस्पर्धियों को उसकी नकल से तथा उसी प्रकार के नाम से रखने से रोकती है। भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958 है। किसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप? 1958 एक्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उस चिन्ह से, नाम से, शब्द से या डिजाइन के प्रयोग का एकमात्र अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा ब्रांड नेम सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं ब्रांड स्पॉन्सर, ठीक है। ये क्या होता है? ब्रांड व्यूहरचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा निर्माता अपने उत्पाद को अन्य उत्पादों से पृथक बनाते हैं।
अलग बनाता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक प्रोडक्ट है, ये देखना, एक्स वाई जेड ए बी और सी, इतने सारे प्रोडक्ट है, पर जो जेड है वो एक ब्रांड है, वो एक ब्रांडेड है, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा ब्रांड है, तो बाकी प्रोडक्ट से एक कस्टमर इन सारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हुए हमारे जो जेड प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा, ठीक है, तथा श्रेष्ठ प्रमाणित करती है। तो ब्रांड अगर जेड है, जेड को हमने ब्रांड की उपाधि दी है, जेड को हमने ब्रांड बनाया है, तो वो बाकी प्रोडक्ट से अपने उत्पाद को अलग बनाती है और उसकी जिसकी ब्रांड है वो क्वालिटी बेटर मानी जाती है। जिसकी ब्रांड है, जिस प्रोडक्ट के पास ब्रांड है या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी हमेशा कैसी मानी जाती है, ब्रांडेड। तथा विदेशी बाजार में स्वयं के बाजार भाग में वृद्धि करके हम अगर ब्रांड यूज कर रहे हैं तो हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रांड होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसके खरीदार बहुत होंगे और खरीदार होने पर हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया आपको? उसके बाद हमारी जो ब्रांड स्ट्रेटजी है, ब्रांड की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रांड स्ट्रेटजी है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, ठीक है, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के विभिन्न बाजारों में अपने उत्पादों की विशिष्ट पहचान प्रदान करने हेतु नाम, संकेत, चिन्ह या फिर हम कह सकते हैं चिन्ह, कोई सिंबल, साइन, इस तरह का प्रयोग करती है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से बेटर बनाने के लिए अपनी एक ब्रांड बनाती है, विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, और वो विशिष्ट पहचान आप किससे दे सकते हो, नाम, संकेत, चिन्ह का यूज करके। उसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ब्रांड। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में, आप वर्ल्ड के सभी मार्केट में, सभी मार्केट से अपने मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहा है या सभी मार्केट के प्रोडक्ट से बेटर अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उसका नाम, संकेत या चिन्ह का प्रयोग करके हम उसको इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ब्रांडों में सबसे ज्यादा, जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल है कोका कोला, फिर है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस, BMW, ये कार की है, फिर है आपकी नाइक, ठीक है, फिर है आपकी पेप्सी, कुछ ब्रांड्स है इंटरनेशनल, फिर है आपकी डिज्नी, फिर सोनी, फिर इंटेल, फिर आपकी नोकिया, तो इस तरह की कुछ फेमस ब्रांड्स है, ठीक है। और इन कंपनियों के ब्रांड का नाम बृहत धनराशि खर्च किए तथा उत्पाद को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसका प्रमुख कारण क्या था कि उपभोक्ता बिना ब्रांड वाली वस्तुओं और उत्पाद को अस्वीकृत कर देता है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचना है तो आपको ब्रांडेड चीज़ें ही रखनी होंगी, क्योंकि बिना अगर ब्रांड के वो लोकल चीज़ खरीदेंगे, इंटरनेशनल अगर लोकल चीज़ इम्पोर्ट करेंगे तो वो क्यों ना अपने लोकल मार्केट से ही खरीद ले। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर इम्पोर्ट करके भी वो लोकल ब्रांड ही खरीद रहे हैं तो क्यों ना वो अपनी लोकल मार्केट में ही से ही अपने उस प्रोडक्ट को खरीद ले, जिससे उनको कम पैसा भी पे करना पड़ेगा, पेमेंट भी कम होगा उनका। तो अगर आप ब्रांडेड चीज़ बेच रहे हो तभी वो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा।
अन्य उत्पादों की तुलना में ऐसे उत्पादों की उपभोक्ता प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा उपलब्ध न होने पर उनकी दशा में फाइंड करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करने को भी तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो उसको ढूंढने में, उसे फाइंड करने में एफर्ट्स भी कस्टमर लगाते हैं। क्लियर है यहां पर? यहां तक समझ आया आप लोगों को? अब देखिए, इसके बाद जो हमारे स्ट्रेटेजी है उन पर भी हम बात करेंगे, उसके बाद हम ब्रांड जो रिपोजिशनलाइजेशन है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारे दो टॉपिक बचते हैं ब्रांड के। कौन कौन से दो टॉपिक बचते हैं हमारे? स्ट्रेटेजी, और हमारा सेकेंड बचता है ब्रांड रिपोजिशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए ब्रांड ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है। ब्रांड का जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने सप्लायर के बेनिफिट्स देखे, फिर उसके बाद सोसाइटी के, फिर उसके बाद ब्रांड का नेम का सिलेक्शन कैसे करना है वो देखा, फिर स्पॉन्सर, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। ये जो दो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए